वृश्चिक राशि वालों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपकी किस्मत का नया अध्याय शुरू। आने वाले अगले 7 दिनों में बैंक बैलेंस, इज्जत, प्यार, पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों, आपको बस कुछ बातों का विशेष ध्यान में रखनी है। अक्सर इंसान होश में आकर जोश खो बैठता है और वृश्चिक राशि वालों, यही गलतियां आपको अपने जीवन काल में नहीं दोहरानी है। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं, इंसान के जीवन में जैसे ही खुशियां देने दस्तक देने लगती हैं, जैसे ही उन्हें बड़ी बड़ी सफलता मिलने लगती है, आस पड़ोस के कुछ लोगों के मन में जलन की भावना आ जाती है और वो हर तरह से सोचने लगती हैं कि किस तरह से उन्हें नीचे गिराया जाए, किस तरह से उन्हें बड़े बड़े खाई में जो है धकेला जाए। क्योंकि दोस्तों, आपकी तरक्की, आपकी खुशियां उन्हें बर्दाश्त नहीं होने लगती है और वे आपको गिराने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने लगती हैं और जो है गलत रास्ता अपनाने लगती हैं। खासकर जो आपके अपने हैं वही लोग ऐसा करते हैं। दोस्तों, एक बात आप सभी को बता दें, ऐसे लोगों को न्याय के देवता भगवान शनिदेव अब उन्हें दंड देने वाले हैं और उनकी कहानी अब खत्म करने वाले हैं और आपको बड़ी बड़ी सफलता दिलाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, अब आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे कार्य से लेकर उपाय तक की जानकारी देने वाले हैं। आपसे दोस्तों दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। आपको बताएंगे न्याय के देवता भगवान शनिदेव की नैया आपको किस तरह से पार लगाने वाले हैं और आपको किस तरह से बड़ी बड़ी कामयाबी देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के बीच बीच में हम आपकी ही कुछ गलतियों के बारे में अवगत कराएंगे और वीडियो के अंत में हम 1 से 2 उपाय बताएंगे। दोस्तों, ये उपाय मात्र करने से ही आपका जो है कल्याण होगा, आपका बेड़ा पार होगा। तो दोस्तों, आपका दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी अपने माँ बाप से सच्चा प्रेम करती हैं, वे सभी वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, कालों के काल, जय श्री महाकाल लिखते ही आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। तो आप जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक अनमोल विचार से। देखिए दोस्तों, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं ये मायने नहीं रखता है, लेकिन दोस्तों ये बहुत मायने रखता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। बात अगर आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। वृश्चिक राशि वालों, आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि किस तरह से आने वाले समय में आपको बैंक बैलेंस, प्यार, पैसा, इज्जत, प्रतिष्ठा, गाड़ी, बंगला, मान सम्मान मिलेगा। देखिए दोस्तों, ग्रह गोचर अभी सकारात्मक बना हुआ है और ये आपके हित में कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर अगर आप चौका मार देंगे तो आपके जीवन की नैया पार हो जाएगी और हाथ में आया मौका अगर आप एक बार गवा देंगे तो आप ज्यों के त्यों रह जाएंगे। इस मौके अगर आपके हाथ में कोई मौका आता है तो आप अपना जी जान लगा दीजिए, लेकिन दोस्तों उस मौके को हाथ से जाने मत दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, ग्रहों की यही खास डिमांड है, अगर आप लॉटरी सट्टे में, म्यूचुअल फंड में आप निवेश करना चाहते हैं तो आप अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर, राय लेकर निवेश कर सकते हैं। आपको आने वाले समय में अच्छा खासा लाभ दे सकता है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, देखिए दोस्तों, पारिवारिक तथा सामाजिक गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा तथा आपकी योग्यता व काबिलियत समाज के सामने आएगी और संपर्कों का दायरा बढ़ेगा, परंतु इन संपर्कों से लाभ उठाना आपकी क्षमता पर निर्भर करता है।
आपको इस समय लापरवाही और आलस्य करने से बचना होगा, नहीं तो दोस्तों आप अपने ही कारण बने बनाए कार्य को भी बिगाड़ सकती हैं और आने वाले समय में आपको पछताना पड़ेगा। ग्रह स्थिति काफी संतोषजनक बनी हुई है। आप सकारात्मक दृष्टिकोण और किसी अनुभवी व्यक्ति के स्नेह और सानिध्य को जो है व्यवस्थित बना लेंगे। आपको बताना चाहेंगे आध्यात्मिक कार्यों के प्रति व्यस्तता आपको तन और मन से प्रफुल्लित रखेगी। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके जो है सावधानी के लिए जो समय होंगे, यह समय मन में किसी बात को लेकर निराश और नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकती हैं। सुकून और शांति की तलाश में अध्यात्म का सहारा लेना अति आवश्यक है। युवा वर्ग अपने किसी प्रोजेक्ट में जो है विफलता मिलने से तनाव में ले सकते हैं तथा शांतिपूर्ण तरीके से उस पर द्वारा कार्य करें, आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपकी जो है उचित कार्य प्रणाली और व्यवस्थता से लोग काफ़ी ज़्यादा योग्यता के जो है कायल हो जाएंगे। खाली समय का सदुपयोग आप अपने किसी रुचि संबंधित कार्य तथा साहित्य को पढ़ने में व्यतीत करें, इससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा प्रफुल्लित महसूस करेंगे। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, देखिए दोस्तों ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है, जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में भी कुछ नुकसान या जो है झगड़ा होने जैसी आशंका बन रही है, जिस आपकी योजनाएं बीच में ही अटक जा सकती है। कोई भी निर्णय जल्दबाजी और लापरवाही में अभी आप भूल से भी ना लें, अन्यथा दिक्कत हो सकता है। वहीं दोस्तों अगर आपकी व्यवसाय को लेकर बात करें तो यह समय किसी खास व्यक्ति के सहयोग से आपको व्यवसाय में कुछ नई संभावनाएं मिलती हुई दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप संबंधित व्यवसाय में काफी ज्यादा सुधार होगा तथा फोन द्वारा उचित ऑर्डर भी आपको जो है हासिल होंगे। नौकरी के लिए प्रयासरत युवाओं को उचित अवसर मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है, बस आप अपना प्रयास जारी रखें, सफलता आपको जरूर मिलेगा। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, यह समय पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा। परिवारजनों के बीच प्रेमपूर्ण संबंध रहेंगे और व्यर्थ के प्रेम प्रसंगों में समय अभी आप बर्बाद ना करें, यही आपके लिए उचित रहेगा। दोस्तों खास उपाय की अगर बात करें तो अपनी तिजोरी में 9 लक्ष्मी कारक कोड़ियां और 1 तांबे का सिक्का रखने से आपकी तिजोरी में धन हमेशा भरा रहेगा। नियमित रूप से केले के पेड़ में जल अर्पित करने से और घी का दीपक जलाने से घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी और भोजन करने से पहले कुत्ते के लिए और गाय के लिए 1 रोटी जरूर निकाल लें, इससे आपकी जो है घर में माँ लक्ष्मी का वास होती है, माँ लक्ष्मी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होती है। दोस्तों जानकारियां अगर आपको अच्छी लगी हो, इन जानकारियों से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। इसी तरह की जानकारियां आपको समय समय से मिल सके, इन्हें जानकर आप अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सकें। तो दोस्तों अभी के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो।